अध्यक्ष जी, जब आपने मेरी सीट में बदलाव किया, मैं सुबह 10:45 बजे हाउस के अंदर आया और सीट को यहां पर पाया। मैं बहुत लंबा इंटरवेंशन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन पहले जब मैं वहां बैठता था तो सुरक्षित था, सरकार का हिस्सा था। फिर मैंने सोचा कि अध्यक्ष महोदय ने और हमारे चीफ व्हिप साहब ने मेरी सीट यहां पर क्यों रखी है। 2 मिनट मैंने सोचा और फिर देखा कि यह सरद है, पक्ष है विपक्ष है, और सरद पर किसको भेजा जाता है? सबसे मजबूत योद्धा को भेजा जाता है। और आज इस विश्वास मत में जो चर्चा हो रही है उसमें बहुत सी बातें बोली गई, बहुत सी बातें बोली जाएंगी। समय के साथ साथ सब बातों का खुलासा होगा। आज मैं भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, जो कुछ कहना था सुनना था, चाहे मैं हूं चाहे मेरा कोई साथी हो, हम लोगों ने जिस डॉक्टर के पास अपने मर्ज को बताना था वो बता दिया। इलाज कराने के बाद हम सब लोग, आज 125 लोग यहां सदन में खड़े हैं, और सदन के अंदर जब हम सब लोग आए हैं तो कहने सुनने वाली बातों को परे हटकर आज वास्तविकता पर ध्यान देना पड़ेगा। धरातल पर जब हमने कल संकल्प लिया, बैठकर बातें करी, सारी बात खत्म करकर आज सदन में जब प्रवेश किया है, तो इस सरहद पर कितनी भी गोलाबारी हो, हम सब लोग और मैं कवच और ढाल, गदा और भाला बनकर यहां पर सुरक्षित रखूंगा। मैं बताना चाहता हूं,